हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए नया टॉपिक, जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं आज एक एंट्रेंस बुक या फिर कॉम्पिटिटिव बुक्स, जिसका नाम है टारगेट हाई। टारगेट हाई के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ एंड हम बात करने वाले हैं इसके कंटेंट के बारे में एंड इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में फॉर एनी नर्सिंग एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। मोस्ट ट्रस्टेड बुक फॉर स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर के लिए, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी, एंट्रेंस एग्जाम एचएएडी, प्रोमेट्रिक, एनक्लैक्स, एमएलएचपी एग्जाम, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम। फ्रेंड्स, ये जो बुक है इन सभी जो भी कोर्सेज हैं इनके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। इन सभी एंट्रेंस में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत ही फेमस बुक है टारगेट हाई जो भी ये बुक है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, जैसे कि जब हम इसे परचेज करते हैं कुछ ऐप वगैरह भी हमें इसमें मिल ही जाते हैं जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं। बेस्ट सेलर फॉर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन ईयर 2019-20 एंड द ओनली बुक विद 5-star रनिंग बाय 10K रीडर्स एट Amazon, Flipkart, गूगल पे, प्ले स्टोर। फ्रेंड्स, इसे Amazon से आप परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट ये जल्दी से नहीं मिल पाती, बड़ी सिटीज़ में ही मिल पाती है। तो अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। टारगेट हाई, वन नेशन वन बुक ऑन नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट्स एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी नर्सिंग स्टाफ का या फिर नर्सिंग एंट्रेंस कोई भी देने वाले हैं तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव एंड कम्पिटिटिव कवरेज ऑफ ऑल नेशनल एंड स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, ये सब चीज़ दिया गया है इसमें, इंक्लूड्स इसमें ये जो भी लिस्ट दी गई आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें एक लिस्ट बताई गई है कि इसमें किसमें एम्स, PGIMR, जिम्पर, ESICT, RRB, DSSSB, स्टेट PSC, CS, केरला PSC, हेड, प्रोमेट्रिक, ये सब चीज़ों में बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखते हैं अब इसका हम कंटेंट, ये इसका अंदर का रिव्यू है, व्यू है, जो भी है देख लीजिए आप किस तरीके की बुक है। इसमें ऐप वगैरह भी दिए जाते हैं से आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड, अगर आप कोई भी एंट्रेंस देना चाहते हैं तो ये बुक सबसे पहले आती है किसी भी एंट्रेंस के लिए। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे, वे देखेंगे इसमें क्या कुछ दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है। टारगेट हाई बुक बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही पुराने टाइम से ये चली आ रही है एंट्रेंस के लिए, नर्सिंग एंट्रेंस के लिए। ये दिया गया हमें स्टडी प्लान दिया गया, किस तरीके से हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, कितना क्या कब हम मैनेज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें दी गई हैं इसमें। हाउ टू यूज़ द बुक फॉर प्रिपरेशन, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं सेक्शन में, या किस तरीके से हम इसे थोड़ा थोड़ा करके स्टडी कर सकते हैं, सब चीज़ें, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड जो भी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए टिप्स चाहिए होती है सब चीज़ें हमें दी गई हैं, जैसे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें हमें इसमें दी गई हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो भी टारगेट हाई के कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कंटेंट। फ्रेंड्स, देख लेते हैं कंटेंट में क्या है। प्रिलिमिनरी पेजेस जो कि स्टार्टिंग के पेजेस है उसमें क्या क्या दिया गया है इसमें, फॉरवर्डेड, फॉर्म पब्लिश डेज की, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन में डिवाइड किया गया हमारी बुक को, सेक्शन है सब्जेक्ट वाइज सिनॉप्सिस, IBQ एंड MCQ, यानी कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए इसमें। मेडिकल, सबसे पहले आता है हमारा मेडिकल सर्जिकल। मेडिकल सर्जिकल का हमारा अकॉर्डिंग टू जो भी यूनिट्स हैं उनके हिसाब से हमें इसमें दिया गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हमारा सबसे पहला इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग है,
इम्यून सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटन है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ उसके अंदर जो भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सब मल्टीपल बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। एंड कोई भी एंट्रेंस देने के लिए हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जितना हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हमें। देखिए फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम के बाद हमारा ऑन्कोलॉजी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। फ्रेंड्स इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई। इस तरीके से हम अपना जैसे क्रैश कोर्स होता है, हम क्रैश कोर्स की तरह भी इसमें हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी काफ़ी कुछ कंटेंट दिया गया है इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट हम आता है फार्माकोलॉजी। वैसे तो अगर हम फर्स्ट ईयर से ही अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हमें किसी भी एंट्रेंस बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमें एक चार साल तक हम उतना नहीं याद रख पाते, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिव्यू करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन आता है। एंड ओवरऑल साइकेट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, उसके बाद आता है हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, पेपर्स इन नर्सिंग नेक्स्ट लाइव, जो भी पेपर वगैरह होते हैं वो दिए गए हैं इसमें, बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स भी दिए गए हैं। इसलिए ये सेक्शन 3 में हमारा 3 सेक्शन डिवाइड हुए हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल कंटेंट। नेक्स्ट हम थोड़ा सा वे दिखा देते हैं आपको किस तरीके से इसमें दिया गया, जैसे कि ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन हैं फ्रेंड, इसमें आपको इमेज दे दी गई हैं, एंड वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी, जिसमें आपको प्रोसीजर देख कर बताना है कि इसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी बुक है, अगर आप इसे पढ़ने लेंगे तो इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ही आता है। ये फ्रेंड्स देखिए वीडियो बेस्ड क्वेश्चन या फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये हमारा थोड़ा अपडेट है लाइक COVID-19 के ऊपर, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी इनके हैं वो मैं वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। देखिए फ्रेंड्स कोविड के बारे में दिया गया है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। ये स्टार्टिंग के पेजेस हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ, जैसे कि हम कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं, मान लीजिए हम मेडिकल सर्जिकल का इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग देख लेते हैं पेज नंबर 3 पर। यहाँ से हमारा मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट है, तो इसमें इस तरीके से दी, जैसे कि इन्फ्लेमेशन जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें 5 कार्डिनल साइंस क्या होते हैं, केमिकल मेडिएटर्स क्या होते हैं, सब चीज़ें इसमें, टाइप ऑफ वुंड्स, वुंड सीलिंग, वुंड हीलिंग प्रोसेस क्या होती है, सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। 4 स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग, होमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेटरी फेज, प्रोलीफरेशन, मैच्योरेशन फेज की नर्सिंग रिस्पॉन्स, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। देन उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की लिस्ट दी गई है, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। जो भी हमें यहाँ पर टॉपिक क्लियर किया जाता है उसके बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें अपनी असेसमेंट के लिए दिए जाते हैं। देन आता है हमारा इम्यूनिटी कम्प्लीट करने के बाद दोबारा से हमें यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसी तरह का हर सब्जेक्ट के लिए किया गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेडिकल सर्जिकल के बाद जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, फार्मा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, मैं आपको गायनी का दिखाती हूँ। गायनी पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी हमारा 641 पेज नंबर है। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तब तो आपको ये बुक बहुत अच्छे से, अगर आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं देन आपको ये बुक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देख लीजिए आप फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा गायनी पोर्शन स्टार्ट है। इसमें हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं
इम्पोर्टेंट वो पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सब चीज़ें कंप्लीट की गई हैं, फीमेल एंड फर्टिलाइजेशन वगैरह बताया गया, उसके बाद गायनी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एंट्रेंस में आने वाली वो सब चीज़ें हमें इस बुक में दी गई हैं। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर के इसके क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आंसर आएगा इस तरीके के, बहुत सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे। वैसे तो मैं वीडियो में जो भी टॉपिक लेकर आती हूँ, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस भी लेकर आती हूँ, वो मैं इसी बुक से लेकर आती हूँ। तो अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।